देखिए, आज मेरी गिरफ्तारी फिरोजपुर पुलिस ने किया। 2 दर्जन के आसपास पुलिस आई, उन्होंने मेरे घर को घेरा और हमारी ऑफिस से हमें ले गए अपने साथ। ये असल में 2023 की फरवरी में नासिर और जुनैद, जो घाटमिका गांव के 2 भारतीय मुसलमान थे, उनकी हत्या हुई थी। उस हत्या में कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए हम लोगों ने फिरोजपुर झिरका में 23 फरवरी को एक प्रदर्शन किया था और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार साहब के माध्यम से एक हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद जो हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, उसके बाद शहर में मेवात के लोगों में इतना गुस्सा था कि फिरोजपुर झिरका के अम्बेडकर सर्किल पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और भीड़ की वजह से रोड जाम हो गया। उसी मामले में जो रोड जाम हुआ, 24 फरवरी को फिरोजपुर झिरका सिटी पुलिस ने एक FIR दर्ज किया जिसका नाम 68 है। उसमें मेरा नाम था, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक आलम, और अन्य 600 पे मुकदमा दायर किया गया। उसमें पुलिस हमें तलाश रही थी और आखिर आज उस मुद्दे पर हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया और अपने साथ यहाँ से ले गई थाने तक, और वहाँ ले जा करके फिर हमने जमानत भरा और जमानत पे मेरी रिहाई हुई। और अभी आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति साफ और क्लियर है, डॉक्टर अशफाक इन छोटे छोटे मामलों से और इन जेल और थानों से नहीं घबराता है। इंसानी हकूक के लिए, मेवात के हक और अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। चाहे एक बार नहीं, 1000 बार हमें जेल जाने का मौका मिले, लेकिन या जेल भेजा जाए, हम ऐसी बातों से नहीं घबराएंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।